हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस बाय राजन वर्मा। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की जो भर्ती है 693 भर्ती आपकी आने वाली है, उसमें सबसे बड़ा सवाल आपका ये है, बहुत से लोगों का है और मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं कि सर जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको उसका जो डाउट है वो क्लियर कर दीजिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंटरमीडिएट में होना जरूरी है या फिर ग्रेजुएशन हो आपका बीसीए हो या फिर बीटेक हो तो केवल उससे भी काम चल जाएगा या फिर दोनों जरूरी है। तो ये जो आपका जो डाउट है आज के इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। अभी तक शायद ये डाउट किसी ने क्लियर नहीं किया है और बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं शैक्षिक अर्हता जो लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिए 1.1 में लिखा हुआ है आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, इसका मतलब हो गया 1.1 के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए एंड 1.2 कह रहा है आपसे कि आपके पास ओ लेवल नीलेट के द्वारा आपके पास ओ लेवल होना चाहिए या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उत्तीर्ण परीक्षा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं 1.1 के साथ साथ 1.2 जरूरी है। ठीक है, मतलब अगर आप इंटरमीडिएट पीसीएम से क्वालिफाई हैं तो आपके पास ओ लेवल है या ओ लेवल के समकक्ष कुछ भी है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई कि आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका या लिखा हुआ है, या अब 2 पॉइंट पे लिखा हुआ है, नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे बच्चों का डाउट क्या है मैं बताता हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत जरूरी है, वो बिल्कुल अनिवार्य है, उसके बाद ओ लेवल हो या आपका डिग्री हो तो वो ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने बीए बीएससी या बीटेक जो भी किया हुआ है, आपने जब एग्जाम दिया होगा अपने सेमेस्टर में एग्जाम जब दिया होगा तो जैसे 2 क्वेश्चन लिखे होते हैं, ऊपर लिखा होता है क्वेश्चन 1.1 या 1.2 अथवा 10-10 नंबर का अगर क्वेश्चन है अथवा करके नीचे क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है तो उनमें से कोई एक ही करना है। इसका मतलब क्या होता है, उसमें से कोई एक ही करना है, चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन करिए चाहे नीचे वाला करिए, सेम उसी के अकॉर्डिंग। ये बिल्कुल क्लियर है, यहां पे डाउट ढोने का कोई मतलब नहीं था। तो इसके अकॉर्डिंग ये है 1.1 एंड 1.2 साथ में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है, जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है उनके लिए डिग्री और डिप्लोमा, डिग्री या फिर डिप्लोमा आवश्यक है। अब डिग्री में जैसे बात करें तो क्या बीटेक सीएस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिप्लोमा आपका होना चाहिए किससे, सीएस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर समकक्ष में आपका आ जाता है बीसीए का डिग्री, तो बीसीए है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक बार फिर से यहां पे क्लियर समझ लीजिए कि अगर आपके पास पीसीएम है तो उसके साथ साथ ओ लेवल चाहिए, अगर ओ लेवल नहीं है तो 1 साल का कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो तो 1 साल का हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। लेकिन आपके पास पीसीएम नहीं है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए 3 साल की या फिर 4 साल की। अब यहां पे कोई भी डाउट हो तो कृपया करके कमेंट करिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसी शानदार जानकारी जो आपके डाउट्स होते हैं इस चैनल पे आपको क्लियर कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।